बेटा साइकिल को जल्दी से चला, तेजी तेजी से चला, मोदी जी ने जो पकवान बनाए होंगे वो ठंडे हो जाएंगे जल्दी, भूख बहुत तेज लगी है। इतने सालों बाद तो मोदी जी ने अपने लोगों की दावत की है, जल्दी चल। जला दो रहा हूँ मम्मी, और कितनी तेज चलाऊं इस साइकिल को। अच्छा मम्मी जी एक बात बताना, मोदी जी ने अपना लोगों की दावत की है, तुम पीछे कपड़ों से भरा हुआ बैग पकड़े पड़ी हो और आगे मेरी साइकिल में भी एक थैला टंगा हुआ है। मोदी जी के घर इतना सामान ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे बेटे राहुल भाई ने इतने दिन बाद तो अपना लोगों की दावत की है, कम से कम उनके घर पर 10-5 दिन रुक कर आएंगे। लेकिन मम्मी जी ये क्या हो गया, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या हुआ मेरे बेटे, क्या शेर देख लिया तूने? क्या झाड़ियों के पीछे शेर है? जल्दी से साइकिल दौड़ा। अरे नहीं मम्मी जी, शेर नहीं देखा है, अपना लोग तो मोदी जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं और मोदी जी अपनी तरफ बड़े चले आ रहे हैं, ये देखो आ गए। अरे राहुल बहन सोनिया कहाँ जा रहे हो, मैं आ तो रहा था तुम्हारे घर की तरफ। मोदी भैया हम थोड़ी देर लेट हो गए तो आप हमें बुलाने के लिए चले आए, आपने ये तकलीफ क्यों उठाई, हम आ तो रहे थे आपके यहाँ पर। बहन सोनिया समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे घर पे क्यों आ रही थी। अरे मोदी जी कैसी बात कर रहे हो, आपने हमें दावत पर नहीं बुलाया है, आज दोपहर की दावत खाने के लिए हम आप ही के घर तो जा रहे हैं, कल तो आपसे फोन से बात हुई थी, आपने कहा था दावत है, हमने कहा था मंजूर है आ जाएंगे। अरे राहुल ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, मैंने ये पूछा था क्या मेरी दावत है, तुमने कहा था मंजूर है आ जाना, मैं अपनी दावत के लिए पूछ रहा था, इतने दिन से बहन सोनिया जी के घर पर दावत नहीं खाई थी तो मैंने पूछा था क्या दावत है मेरी, और तुमने कह दिया कि मंजूर है, इसीलिए मैं सुबह ही नहा धो के साइकिल से चल दिया, मैं आप ही के घर पर दावत खाने के लिए जा रहा था। मोदी जी मुझे लगता है आपने फोन पे सुनने में गलती कर दी, हम समझे आपने ये कहा कि दावत है, हम समझे हमारी दावत के लिए बोला आपने, हमें क्या पता आप अपनी दावत के लिए बोल रहे थे। चलो राहुल वो तो फोन पे सुनने में गलती हो गई, अपना लोग एक दूसरे की दावत समझ बैठे, अब अपनी साइकिल को मुड़ाओ, तुम्हारे घर दावत खाने के लिए चल रहे हैं। मोदी भैया साइकिल आप अपनी मुड़ाओ, हम अपनी साइकिल अपने घर की तरफ नहीं मुड़ाएंगे, आप साइकिल अपने घर की तरफ मुड़ाओ, आप ही के घर पर हम दावत खाने के लिए चल रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो मैं कपड़े उपड़े बैग में पैक करके आई हूँ, कम से कम 3 महीने रुक कर आऊंगी आपके घर, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी रेल वर्कर का भी काम बड़ा मुश्किल काम है, आपने तो कहा था ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इसीलिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ शहर में आया था, लेकिन यहाँ तो बहुत मेहनत करना पड़ रही है, कभी इस रेल के रेलवे ट्रैक के पत्थर को ठीक करना पड़ता है, कभी कुछ ठीक करना पड़ता है। राहुल ये बताओ बिना काम करे कहीं पर पैसा मिलता है? गांव में भी अपना लोग पूरा पूरा दिन मजदूरी करते थे तो मुश्किल से 200 रुपए कमा पाते थे, और जब से तुम सब लोगों को मैं गांव से शहर में रेल कर्मी की नौकरी करवाने के लिए लाया हूँ, तुम दिन भर में कम से कम 500 रुपए कमा रहे हो। देखो लालू जी भी गाँव से शहर में अपने साथ काम करने के लिए आए, इनके काम के लिए भी मैंने रेल विभाग में बात कर रखी है, ये भी कल परसों से काम में लग जाएंगे। राहुल कैसे हल्के हल्के काम कर रहे हो, पत्थर को ठीक तरीके से रेलवे ट्रैक पे बिछाओ। मोदी जी आप मुझे से काम करवाते रहते हो इतना ज्यादा, वो देखो अगले से एक किनारे पे खड़ा हुआ है, कुछ भी काम करना नहीं चाहता है, ऐसे ही एक तरफ खड़ा रहता है, मैं ही सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। शिवराज सिंह जी भी एक तरफ गरीब भी है। मोदी जी तो कब से मेरी नौकरी पक्की हो गई, आज 3 दिन हो गए मुझे गांव से आए हुए, लेकिन रोज आप यही कहते हो कि आज काम पे लगोगे कल काम पे लगोगे, अभी तक तो मैं काम पे लगा नहीं हूँ, ना ही मुझे तुम्हारे तरह ऑरेंज ड्रेस मिली है ना ही जूते मिले हैं, गाँव से जैसी नंगे पैर आया था वैसी फिर रहा हूँ, एक तो ये रेलवे ट्रैक के पत्थर बार बार मेरे पैरों में चुभ रहे हैं, कम से कम रेलवे विभाग से मुझे जूते तो दिलवाओ। लालू जी आजकल में तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, मैंने रेल विभाग से बात कर रखी है, और जैसी तुम्हारी नौकरी पक्की होगी तुम्हें हमारे तरह ड्रेस भी मिल जाएगी और जूते भी मिल जाएंगे, फिर काम पे लग जाना तुम। मोदी जी कल तक और देख रहा हूँ मैं, अगर कल तक मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं गांव वापस चला जाऊंगा, कब तक इस रेलवे ट्रैक के नुकीले पत्थरों पे नंगे पैर फिरता रहूंगा, घर तो वापस जाना ही पड़ेगा जब नौकरी नहीं मिलेगी। अरे लालू जी मिल जाएगी नौकरी, मैं भी तो गांव से ऐसे ही आया था, मोदी जी ने मुझे भी देखो नौकरी दिलवा दी थी, रेल विभाग में इनकी बहुत बड़ी पकड़ है, ये अपने गांव से जो भी आता है सबको नौकरी दिलवा देते हैं। हाँ लालू जी बस 1 महीना और इंतजार कर लो, नौकरी जरूर मिलेगी तुम्हें, जब मैं गाँव से आया था तो मैं 1 महीना तक ऐसी फिरता रहा था, मोदी जी 1 महीने तक कल कल करते रहे थे, 1 महीने बाद नौकरी मिली थी, तुम 4 ही दिन में परेशान हो गए, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी जरा 5 रुपए वाला चटपटी नमकीन का एक पैकेट दे देना और 5 रुपए खाता बुक में लिख लेना। मोदी जी एक बात बताओ कितना सामान उधार खरीदोगे, तुम्हारे नाम की खाता बुक भी तो फुल हो गई है। सोनिया जी कितना उधार है तुम्हारा मेरे ऊपर,
कोई दौलत आ रही है तुम्हारी मेरे ऊपर? मोदी जी दौलत नहीं आ रही है तो कम रुपए भी उधार नहीं है तुम्हारे ऊपर मेरे। कितने रुपए हो गए टोटल बताओ, मैं अभी देता हूँ। मोदी जी 8 लाख रुपए उधार हो गए आपके ऊपर। अच्छा सोनिया जी 8 लाख रुपए उधार हो गए मेरे ऊपर, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हो गए। मैं तो 8,000 रुपए समझ रहा था मेरे ऊपर लगभग 8,000 रुपए उधार हुए होंगे। अब इतना बड़ा उधार तो मैं आसानी से चुका नहीं पाऊंगा, हल्के हल्के चुकाऊंगा। मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि अभी दे देता हूँ पैसे। अरे सोनिया जी मैंने बताया नहीं, मैं समझा 8,000 रुपए होंगे मेरे ऊपर उधार, मुझे क्या पता 8 लाख रुपए। 8 लाख की तो आपकी ये खोखा दुकान में नहीं होगी। एक तो मोदी जी पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए आता ही नहीं है। राहुल भी पता नहीं कहाँ पे रह गया, मैंने उससे कहा था किसी ग्राहक को पकड़ के ला, अरे वो लालू जी को ला रहा है लगता है। मम्मी जी ये देखो लालू जी केजरीवाल जी की किराना दुकान से सामान खरीद रहे थे, चुपके से बुलाकर लाया हूँ इन्हें। लालू जी क्या आपको सामान चाहिए? सारा सामान हमारी दुकान पर है ही तो हमारी दुकान से सामान खरीदो। अरे मेरे बेटे 2 घंटे में एक ग्राहक पकड़ के लाया, वो भी तू ऐसा ग्राहक पकड़ के लाया? क्यों क्या हुआ मम्मी जी, कोई दिक्कत है लालू जी में बताओ? अरे इन्हें तो मैं वैसे ही सामान नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझसे 50,000 रुपए का सामान खरीद कर खा चुके हैं, पैसे चुकाना ही नहीं चाहते। लेकिन मम्मी जी ये केजरीवाल जी की दुकान से नगद सामान खरीद रहे थे, पिछला उधार है जो उसे रहने दो, नगद तो सामान को बेचो। क्यों लालू जी आप केजरीवाल जी की दुकान से नगद सामान नहीं खरीद रहे थे? नहीं राहुल तुम्हारी आंखों का धोखा था, मैंने नगद तो कोई सामान नहीं खरीदा, मैं केजरीवाल जी से भी उधारी सामान खरीदता हूँ। और जिस दुकान से मैं एक बार उधार सामान खरीद लेता हूँ उसकी दुकान पर दोबारा नहीं जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी मम्मी जी की दुकान से 50,000 का सामान खरीदा था, उसके बाद अब मैं केजरीवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहा हूँ। जब उनके भी रुपए मेरे ऊपर काफी हो जाएंगे फिर अखिलेश की दुकान से सामान खरीदने लगूंगा। मेरे बेटे राहुल मुझे पता था ये किसी की दुकान से नगद सामान खरीदते ही नहीं है, ये तो हमेशा उधार सामान खरीदते हैं। जब कोई और ग्राहक पकड़ के ला, ये मोदी जी भी सुबह से कई रुपए का सामान उधार खा चुके हैं। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।